गुरु प्यारे सत्संग जीव रादास स्वामी जी, प्यारे सत्संग जीव, यह साखी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण साखी है। प्यारे सत्संग जीव, बहुत से लोगों की शिकायत है, जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। प्यारे सत्संग जीव, यह साखी आज इस पर आधारित है। तो मैं आपसे दो विनतियाँ करना चाहता हूँ। पहली विनती ये है कि इस साखी को कृपया पूरा सुने, अंत तक सुने, बीच में छोड़कर मत जाएं। और दूसरी विनती ये है कि गुरु प्यारे सत्संग जीव, इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्राप्त करने के लिए सतगुरु मार्ग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते, तो इसलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। आओ, आज की है साखी, बहुत ही सुंदर साखी श्रवण करते हैं। अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देता है कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन यापन कैसे होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, माँ के पेट के जल में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिकाएं, 1 गुदा, 1 लिंग और 1 तालु खुराक देके माँ के पेट की आग में वह खुराक, वह हमारी रक्षा करता है। देख हे मन, मालिक ऐसा दयालु है। इसका भाव ये है कि माँ के पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं, ना बच्चों के पंख हैं कि उड़ के कुछ खा ले, ना कछुओं के थन हैं कि बच्चों को दूध पिलाए। है जीव, आत्मन में विचार कर देख, वह सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उनकी पालन करता है। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर में से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी पूर्ण परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की इस वाणी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहाँ भी परमात्मा अपने द्वारा पैदा किए गए जीवों की भी पालन करता है। तो हम काहे को डरें, सब करतार ठीक करेंगे। सतनाम श्री वाहेगुरु इस वाणी से संबंधित एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी है, आइए वह सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसाद शकाता था। एक दिन वह लंगर में लोगों को प्रसाद देता हुआ सोचने लगा, मैं कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ। तभी प्रसाद खा रहे एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी, थोड़ी दाल मिलेगी? भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी, भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर खाना मिलेगा, मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही चलता रहा, भाई जी का घमंड बढ़ता रहा, खाओ खाओ भाई जी के राज में, खाओ भाई जी के राज में, किसी का पेट खाली नहीं रह सकता। एक दिन वह सो रहा था, उसके सपने में गुरु जी आए और बोले, आज एक ज़रूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरुजी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, चारों ओर बर्फ थी, ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने
उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो। भाई जी गुरु जी के कहने पर गड्ढा खोदने लगे। थोड़ी देर में भाई जी ने गहरा खड्डा खोद लिया। गड्ढे में एक बहुत बड़ा पत्थर था। गुरु जी ने बोला, अब इस पत्थर को हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरु जी ने कहा, अब गौर से देखो जहाँ पर क्या है। भाई जी ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर छोटी छोटी चिड़ियाँ खाना खा रही थी। गुरु जी ने उसे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाई जी की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरु जी ये समझा कर गए हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है, वह है परम पिता परमेश्वर। उसके अलावा कोई और नहीं। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयां लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुंचे विश्राम करने के लिए। गुरु जी भाई बाला और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है, वह भी तय, रोना कब है, वह भी तय, सुख की घड़ियां आएंगी, वो कौन सी घड़ी है, वह भी तय है, कोई कब जन्मेगा वह भी तय है, वह कहां पलेगा वह भी तय है, जिस घड़ी में मरना होगा कौन घड़ी है वह भी तय है, दाना दाना किसने खाना किसके मुंह में है, दुनिया का ये ताना भाना लिख दिया है वह भी तय है। भाई बाला और भाई मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, परंतु भाई मर्दाना गुरुजी से हर उपदेश की गहराई तक जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी इंसान कब हंसेगा कब रोएगा, क्या ये पहले से ही तय है? सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, पहले से ही तय है। इंसान की जिंदगी में कब सुख आएंगे कब दुख आएंगे, क्या ये भी पहले से ही तय है? हाँ मर्दाना, ये भी पहले से ही तय है। हम कहाँ पलेंगे और कहाँ मरेंगे? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी क्या ये भी पहले से ही तय है? तो सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, ये सब कुछ पहले से ही तय है। गुरुजी अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये बात सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर ये लिखा हुआ है कि इसको कौन खाएगा? तो सतगुरु कहने लगे, बिल्कुल सही, हर मक्के पर ही नहीं उसके एक एक दाने पर ही लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा। उन्हें एक दाना तोड़ा, गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी अब बताए इस मक्के के दाने को कौन खाएगा? सतगुरु नानक कहने लगे, मर्दाने ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी कैसी बातें करते हो, दाना मेरी हथेली पर है, शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमने बिल्कुल सही सुना मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, यही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया, दाना मेरे पेट में चला गया। परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा व्यवहार करने लगे, मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। वो बोले, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रही है, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई
बाला बोले, गुरुजी मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के जहां चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उसे पूछा, अरे भाई यहां पर कोई वैद्य है क्या? हमारे संगी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा, हाँ उस ओर चले जाओ, वहाँ एक एक बहुत मशहूर वैद्य है। तो जब वह वहाँ पहुँचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, वैद्य जी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा कि क्या खाया था तुमने? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, मैंने तो एक मक्की का दाना खाया था। तो वैद्य ने कहा, लगता है कि वह मक्के का दाना तुम्हारे श्वास नली में चला गया। कोई बात नहीं, नसवा मैं दे देता हूँ, तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने नसवा जैसे ही भाई मर्दाना को सुंघाई, भाई मर्दाना और जोर जोर से छींकने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया, वाकई दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो गुरु प्यारी सत्संग जियों, इसी के साथ ही ये साखी आज की यहाँ पे समाप्त होती है। देखा गुरु प्यारी सत्संग जियों, गुरु जी की ऐसी ऐसी महिमाएं हैं कि हम लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी सत्संग जियों, जो अपनी किस्मत को बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो गुरु प्यारी सत्संग जियों ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्यारी सत्संग जियों पहले से ही तय है कि आपको कौन से वक्त पे सुख आएगा और कौन से वक्त पे दुख आएगा। सो दुख और सुख ये एक दूसरे के संगी साथी हैं। तो प्यारी सत्संग जियों, इसी के साथ ऐसे ही गुरु के साथ अपना प्रेम बनाए रखें। रोज़ाना नई नई साखियाँ सुनने के लिए सतगुरु मार्ग YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और मोर अपडेट्स के लिए सतगुरु मार्ग टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। गुरु प्यारी सत्संग जियों, राधा स्वामी जी।